रक्तदान ही महादान है, जिससे कोई जरूरतमंद रोगियों की जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर सामाजिक कार्यों में अग्रसर किन्नौर कल्याण समिति सोलन द्वारा नगर परिषद हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ तहसीलदार सोलन गुरमीत सिंह नेगी द्वारा किया गया। शिविर में NCC NSS कॉलेज के छात्रों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में 60 के करीब यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, ताकि ये रक्त दुर्घटना में घायल लोगों और अन्य गरीब रोगियों के काम आ सके। किन्नौर कल्याण समिति सोलन के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर राकेश कुमार नेगी ने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज समिति के सदस्यों सहित कई संस्थानों के विद्यार्थियों ने शिविर में करीब 60 यूनिट से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन सड़क पर हादसे होते रहते हैं, जिनमें कई घायलों को रक्त न मिलने के कारण जान गंवानी पड़ती है, इसीलिए उन्होंने आज इस रक्तदान का आयोजन किया है। इस वर्ष भी हमने स्वास्थ्य विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में एक ब्लड डोनेशन कैंप का जो है आज हमने शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 60 के करीब रक्तदाताओं ने आज ब्लड डोनेट किया है, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बच्चे, बालिकाओं और बच्चों ने। और किन्नौर कल्याण समिति हर वर्ष करती है इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन, और भी हम आगे भी इस तरह के आयोजन करते रहेंगे आने वाले।